याद कीजिए दिसंबर 2013 राष्ट्रीय राजनीति पर आम आदमी पार्टी धूमकेतु की तरह आई और छा गई। दिल्ली की राजनीति पूरे देश की राजनीति। 70 सीटों में से 28 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली और कहा गया कि एक नई पार्टी का उदय हो गया है। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव का झटका, अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी से बुरी तरह हारे, दिल्ली पहुंचे और एक कोर्ट केस में जेल में जा बैठे हैं। कहते हैं बेल नहीं लेंगे, लेकिन इस बीच उनकी वरिष्ठ सहयोगी साजिया इल्मी ने तय किया कि बहुत हो गया, आम आदमी पार्टी अब छोड़ दिया जाए, और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे के कारणों में उन्होंने गिनाया, आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है और उनके मुताबिक पार्टी में एक गुट हावी हो गया है, चुनिंदा लोग ही पार्टी के फैसले ले रहे हैं। और साजिया ने यह भी कहा कि बार बार धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है, ये जेल पॉलिटिक्स उचित नहीं है। उद्योगपतियों, खास नेता, आखिरकार इन सब पर हमला करना क्या कोई जरूरी बात है, ये सवाल उनका था। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया साजिया इल्मी ने और अपने इस्तीफे का उन्होंने ऐलान कर दिया। अपनी पसंद की जगह से टिकट नहीं मिलना, गाजियाबाद से लड़ी थी आपको याद होगा बुरी तरह, वहां भी हार गई, पांचवें नंबर पर आई, वो भी एक वजह बताई जा रही थी साजिया इल्मी की नाराजगी की। साजिया ने कहा कि पार्टी ने कई गलतियां की, लेकिन साथ ही साथ साजिया के आज एक और व्यक्ति ने पार्टी छोड़ दिया, कैप्टन गोपीनाथ। आपको याद होगा लो कॉस्ट एयरलाइंस वो चलाए करते थे, इस देश में कम पैसे में आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके, इस बात की सुविधा उन्होंने सुनिश्चित की थी। कैप्टन गोपीनाथ ने भी आज इस्तीफा दे दिया और इस तरह से एक के बाद बिछड़े सभी बारी बारी की स्थिति बनती जा रही है। और कहा यही जा रहा है कि कुमार विश्वास भी बहुत खुश नहीं है अपने नेतृत्व से, उन्होंने ट्वीट किया है एक, लेकिन जो ट्वीट किया है उसका अर्थ आप समझिए, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी। रामचरित मानस में तुलसीदास ने कहा है धीरज धर्म मित्र और नारी, ये चारों जब आपद काल आता है तो इनको परखा जाता है। और आखिरकार जो भी मतलब हो, व्यंग जो भी हो साजिया इल्मी पर हो, लेकिन इतना तो मान ही गए कि आपद काल आम आदमी पार्टी का आ चुका है और इस आपद काल में नेतृत्व पार्टी का जो है उसमें सबसे प्रबल नेता आम आदमी पार्टी जेल में बैठे हैं और कब बाहर आते हैं अभी तक ये ठीक नहीं है। ऐसे में किस दिशा में आम आदमी पार्टी जा रही है ये पता नहीं चलता है, जबकि चुनाव दिल्ली के सामने खड़े हैं और एक अविश्वास है आम आदमी पार्टी के नेताओं में, एमएलएज में, और लगता यह है कि कहीं ना कहीं कुछ टूट होने वाली है आम आदमी पार्टी में। और भी चलिए अब जाने का समय हो गया है और आपको चलते चलते इस बात को हम दिखाएंगे कि आखिरकार मणिशंकर अय्यर ने जब कहा था दिल्ली में अधिवेशन में कि चाय वाला कैसे बन सकता है प्रधानमंत्री, तो उनसे पूछा गया जब प्रधानमंत्री वो बन गया तो किस तरह से नाराजगी है उनकी, और देखिए कैसे उन्होंने दरवाजा गाड़ी का बंद किया और चले गए। हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि आपने कहा था एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, वो बन गया, तो अब आपका क्या कहना है। जवाब देने के बजाय मणिशंकर नाराज हो गए और गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया और चले गए। अब उनकी नाराजगी समझी जा सकती है, लेकिन हम क्या करें, पूछना हमारा काम है। आज बस इतना ही, कल आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।